हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में है। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया एंड वीकर एसिड देन वाटर। ठीक है, ऐसा कैसे हो गया भाई, देखते हैं। ये क्या है, एसिटिलीन है। ठीक है, अगर एसिडिक प्रॉपर्टी शो करनी है तो इसको H प्लस रिलीज करना होगा। ठीक है, तो H प्लस रिलीज कर दिया। ठीक है, तो H प्लस रिलीज तभी करेगा जब ये स्टेबल होगा एनायन। ठीक है, तो ये स्टेबल है। कैसे है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। s कैरेक्टर कितना, s कैरेक्टर 50% नहीं, p कैरेक्टर 50%। तो s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। ठीक है, p का डंबल शेप है। तो स्फेरिकल शेप होने के कारण, s कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण इसकी साइज ऑर्बिटल की छोटी हो गई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड हो गया कार्बन से। ठीक है, इसलिए ये स्टेबल हो गया, इसलिए आसानी से H प्लस दे दिया। राइट, अब वाटर का केस लेते हैं। नहीं, अगर H प्लस दे दिया ये, ठीक, क्या बचा, हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है ज्यादा, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इसको टाइटली बांधे रहेगा। ठीक है, और अब तो इससे ज्यादा एसिडिक है। अब अमोनिया को देखते हैं, इस पे तो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये तो हाइड्रोजन दे नहीं रहा, बल्कि ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं, ये तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट ही कर लेगा प्रोटोन को। ठीक है, तो ये सबसे कम बेसिक हुआ, लेस लिस्ट बेसिक, सॉरी लिस्ट एसिडी, लिस्ट एसिडी। ठीक है, ऐसे भी पीके वैल्यू के टर्म में, पीके वैल्यू जिसकी कम रहेगी वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो इसकी पीके वैल्यू कितनी होती है, 15.7 पीके वैल्यू। इसकी पीके वैल्यू 25, इसके 38। ठीक, तो सबसे ज्यादा एसिडिक H2O, उससे कम एसिटिलीन और उससे कम अमोनिया। ठीक है, H2O C2H2O NH3। नहीं, ये ऑर्डर हो गया एसिडिक प्रॉपर्टी का, और बेसिक का जस्ट रिवर्स। ठीक है, लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन थ्री पेंटाडाइन इज मोर स्टेबल देन 1,4 पेंटाडाइन। देखो, ये मत सोचता क्या रे, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वो कभी मत सोचता। जैसे ही आपके दिमाग में ये इजी क्वेश्चन है तो वो गलत होने का चांस ज्यादा रहता है, और टफ है या तो नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो उसके सही होने का चांस ज्यादा रहता है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,3 पेंटा डाइन इज मोर स्टेबल देन 1,4 पेंटा डाइन। ठीक है, ये हो गया 1,2,3,4,5 1,3 पेंटा डाइन।
वन टू थ्री फोर नहीं वन फोर पेंटा डाइन, ये देखो ये क्या है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड मीन्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम, राइट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस फॉर्म करेगा, राइट, ये अगर स्पेस शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये अगर शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, यहां पे, ठीक है, तो ड्यू टू रेजोनेंस इट इज मोर स्टेबल। और ये क्या है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इट इज आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसमें नहीं होगा, ये क्या है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, इरेज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिडिटी, द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इज मोर प्रोनाउंस्ड इन प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल देन टर्शियरी अल्कोहल। कहने का मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन विद टर्शियरी अल्कोहल, देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। ये हुआ इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल ये प्राइमरी अल्कोहल, तो एसिडिक होगा तो एस प्लस रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये नहीं है, तो फिर ठीक है, इन बना और प्रोटो रिलीज कर दिया। अब देखो थर्ड डिग्री देख रहे हैं, यह हुआ टर्शियरी अल्कोहल, नहीं टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल, इसका नाम है टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल, ये बना। अब देखना है कि इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग जल्दी प्रोटॉन देगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट रिएक्शन ज्यादा होगा फास्ट, ज्यादा इजीली होगा
वो ज्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक का मतलब प्रोटो रिलीज करना। ये प्रोटो तब रिलीज होगा जब ये स्टेबल हो, ठीक है। तो देखते देखो ये एनायन है तो ये चार्ज अगर पूरे स्ट्रक्चर पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ये मॉलिक्यूल एनायन स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ एल्काइल ग्रुप है तो ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है तो ये इनहांस करेगा इसको चार्ज को निगेटिव चार्ज को और इनहांस करेगा तो डीस्टेबलाइज किया। लेकिन यहाँ तो तीन तीन अल्काइल ग्रुप अटैच है तो ज्यादा इनहांस करेगा इस निगेटिव चार्ज को, ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा तो ये लेस स्टेबल है। ये इसके कंपेरिजन में ये मोर स्टेबल है, ठीक है ठीक है। तो ये क्या हो गया लेस एसिडिक, लेस एसिडिक, ये मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में फिर मिलते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाना लिखना मत भूलना। थैंक यू।